तो आज हम ट्राई करने वाले हैं इतने सारे फटाके, या फिर आप इसे TNT भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है TNT स्टिक। तो इसने लगभग एक TNT के बराबर धमाका किया है। अब हम ट्राई करेंगे दूसरी TNT स्टिक, जो कि 2 गुना पावर वाली है। शायद से पानी में गई, चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास है और भी एक स्टिक, जिसका 4 गुना पावर है। तो इसने बढ़िया धमाका किया। अब हमारे पास और भी स्टिक है, जिसका पावर 8 गुना है। तो इसे ट्राई करते हैं। इसने तो उससे भी बढ़िया धमाका किया। अब हमारे पास कुछ लॉन्चर है, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे Power 3 वाला लॉन्चर। तो इस घर पे ट्राई करते हैं। अब हम Power 6 वाला लॉन्चर ट्राई करेंगे। तो इसने भी पूरा घर ही उड़ा डाला। अब हमारे पास इससे भी बढ़िया लॉन्चर है। इसने तो पूरा ही घर उड़ा डाला। अब हमारे पास है कुछ नए। तो सबसे पहले है टीयर गैस। शायद से ये गैस छोड़ेगा। जी, सही कहा था मैंने, मुझे लगा ये भी था पहले से कि गैस छोड़ेगा। तो अब हम ट्राई करेंगे दूसरा वाला, जो कि है स्टन ग्रेनेड। इससे कुछ धमाका नहीं हुआ। चलो तो अगला वाला ट्राई करते। अगला वाला है स्मोक ग्रेनेड। शायद से इससे भी स्मोक ही होगा, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। जी, सही हुआ, स्मोक ही है। अब हम ट्राई करेंगे पोटेशियम चार्ज। तो ये तो फटा ही नहीं, क्या ये फटेगा? 3, 2, 1, नहीं फटा। पता नहीं इसे क्या हो गया, चलो छोड़ देते। शायद से इसे ना जंप करने से फटेगा। फट जाए यार। तो अब हम ट्राई करेंगे दूसरा वाला। तो इसने तो मुझे अपनी तरफ खींचा। अगर मैं सर्वाइवल में होता तो शायद से मर ही जाता। अब हम ट्राई करेंगे दूसरा वाला। तो इसने बढ़िया धमाका किया। तो इसे देखते हैं ये क्या कर सकता है। तो इसने भी सिर्फ डैमेज दिया, पर कुछ धमाका नहीं हुआ। अब हम ट्राई करेंगे अगला वाला। इसने भी कुछ स्मोक टाइप ही किया है। अब हमारे पास है उससे भी बढ़िया बढ़िया फटाके। जो सबसे पहले का नाम है साइबर। तो इसने भी जगह पर ही किया, पर काफ़ी अच्छा धमाका था। शायद से इसे ना फ्लिंट एंड स्टील से जलाना था, तो मैं इसे जला कर देखता हूँ। तो शायद से फट रहा है, नहीं फटा। तो ये रेड तो हुआ था, फिर से एक बार जला कर देखते क्या होता है। आप देख सकते हो ये रेड तो हो रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा है इसे। छोड़ो, अगला वाला ट्राई करते हैं। अब हमारे पास है मोलोटॉल, जो कि पबजी के मॉली की तरह है। तो इसने भी ठीक ठाक धमाका किया है। अब हमारे पास है कुछ दूसरा वाला ग्राउंड आइटम।
इससे भी कुछ नहीं हुआ, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। इससे धुआं तो निकल रहा है पर कुछ हो नहीं रहा। इससे कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ धुआं ही निकल रहा है। चलो छोड़ो, अब हम ट्राई करेंगे स्टिकी बम। तो शायद से पिछला वाला सिर्फ डेकोरेटिव के लिए था, तो स्टिकी बम ने भी काफ़ी अच्छा धमाका किया है। हाँ, यही जिसकी मैं बात कर रहा था, यही शायद से डेकोरेटिव के लिए। तो अब हम ट्राई करेंगे TNT, वो भी 2 गुना पावर के साथ। बेचारा विलेजर। अब हमारे पास है TNT, वो भी 4 गुना पावर के साथ। चलो इसे फोड़ते हैं। सब कुछ फूट गया पर ये वाला फटाका नहीं फूटा अभी तक। अब हम ट्राई करेंगे 8 गुना वाला, तो अभी इसे देखते हैं कितना बड़ा धमाका होता है। तो इसने लगभग काफी अच्छा ही धमाका किया है। तो अब हमारे पास है C4 TNT, तो इसे ट्राई करते हैं। ये भी तुरंत ही फट गया, पर काफी अच्छा धमाका था इसका भी। तो अब हमारे पास है सबसे खतरनाक TNT, जो कि इसके नाम से पता है। तो इसका नाम है डायनामाइट स्टिक, और इसका न्यूक, इसका नापलम, इसका डायनामाइट, और इसका क्रायोचार्ज, और इसका नाम है बेडरॉक बस्टर। तो चलो इन्हें भी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे डायनामाइट स्टिक। शायद से गायब हो गए, नहीं फट गए। चलो इसने तो पूरा घर को नीचे से ही उखाड़ डाला। अब हम ट्राई करेंगे न्यूक। ओ माय गॉड, इससे तो मुझे नौसिया लग गया। इसका डिस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हो, इसका रेडी। ओ फिर से फट गया, ये सबसे बेहतर था। मेरा फेवरेट तो यही वाला है, आप अपना फेवरेट भी बता सकते हो। तो आप देख सकते हो हमने जो है लगभग पूरे के पूरे विलेज को तबाह कर दिया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो एक दो घर बचे उन्हें भी तोड़ देते। तो देख सकते हो आप इतना सारा जो है धमाका है, सिर्फ एक दो घर बचे। अब हम इसे भी तोड़ते हैं। तो अब हम ट्राई करेंगे नापलम। तो इसे ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, और इग्नाइट। इसने तो पूरी जगह पर आग ही आग कर दी। ये भी काफ़ी बढ़िया था, पूरे स्क्वायर शेप में आग लगा डाली, और बीच में एक गड्ढा भी हुआ है। अब हम ट्राई करेंगे दूसरा वाला, जो कि है डायनामाइट। तो इसे लगाते हैं। इसने तो पूरी जगह डायनामाइट ही डायनामाइट कर दिया। ओ माय गॉड, इसने भी काफी बड़ा धमाका किया। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा धमाका वो है सिर्फ एक ही TNT से। अब हम ट्राई करेंगे दूसरा वाला, जो कि है क्रायोचार्ज। तो इससे देखते हैं क्या होता है। इससे तो कुछ भी नहीं हुआ।
ये भी फुसकी निकला, तो इसे एक बार फिर से ट्राई करते, तो इस बार शायद से कुछ कर दें। तो यार इसने मुझे अपने तरह खींच के स्लोनेस वाला इफेक्ट दिया है, अब मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, आप देख सकते हो स्लोनेस वाला इफेक्ट है। तो चलो इफेक्ट तो जा चुका है, अब हम ट्राई करेंगे हमारा आखिरी वाला, तो इसका नाम है बेडरॉक बस्टर, तो इसे हम ट्राई करते हैं। तो इसे हमने जला दिया है, अब दूर से इसका व्यू लेते क्या, इसने तो छोटा सा ही धमाके किया, फिर इसका नाम बेडरॉक बस्टर क्यों रखा, मुझे तो लगा कि बेडरॉक तक खो देगा। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद से ये बेडरॉक बस्टर बेडरॉक को तोड़ सकता है। तो एक बार हम बेडरॉक के अंदर इसे फोड़ के देखते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा कुछ बेडरॉक, तो सबसे पहले मैं बेडरॉक को ले लेता हूँ। तब इसे कुछ इस तरह इसे प्लेस करेंगे और इसके अंदर बेडरॉक बस्टर को फोड़ेंगे, तो शायद से इस बार ये बेडरॉक को भी तोड़ दे। तो जी हाँ, मैंने सही सोचा था, इसने बेडरॉक को भी तोड़ दिया, ये गलती से लगे। आप देख सकते हो हमने पूरे विलेज को ही उड़ा डाला है। देख सकते हो आप कितना। तो इसके बाद मैंने ट्राई किया वही वाला फटाका जो कि कुछ देर पहले फटने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इस बार मैं पूरा पढ़ कर आया हूँ, इसे जो है पानी में फोड़ा जाता है, तो इस बार ट्राई करते हैं। तो आपने देखा जैसे कि फटाका फूट गया जो कि कुछ देर पहले यहीं पर ही कुछ फट नहीं रहा था। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा लॉन्चर जिसका पावर सबसे ज़्यादा था, और वो मैं आपको दिखाना भूल गया, तो आपने देखा इसका पावर भी काफ़ी बढ़िया था। तो इसके बाद मैंने सोचा कि जो न्यू कॉला फटाका था उसका शायद से हमने पूरा डिस्ट्रक्शन नहीं देखा, तो इस बार मैंने उसका पूरा व्यू लेने का ट्राई किया। इस बार आप फिर से देख सकते हो 3, 2, 1 और ये फटाका फट गया, अब देख सकते हो क्या ही मस्त सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब ये फिर से एक बार फटेगा जो कि फट गया, अब आप देख सकते हो क्या ही डिस्ट्रक्शन हुआ है, और ऊपर की तरफ भी क्या मस्त सा नज़र आ रहा है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ वीडियो को जो है अपने दोस्तों को में शेयर करके उन्हें भी ये वाली वीडियो दिखाना। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।